सो वेलकम बैक गाइस, वीवो की V29 सीरीज बहुत जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च होने जा रही है और वीवो की वी सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर सीरीज है जिसका वेट हर कोई करता है। इस सीरीज के अंदर वीवो हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करता है, तो आज की वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा कि इस बार आपको इस सीरीज के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, क्या स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं और इस सीरीज का इंडिया में क्या प्राइस रहने वाला है और कब ये इंडिया में लॉन्च होगा। उसके साथ में हम इसकी अनबॉक्सिंग भी देखेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम देखते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग। जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे टॉप पे रखा हुआ मिल जाता है आपको ये स्मार्टफोन जो कि है वेलवेट रेड कलर में, और फोन के अंदर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन दिया गया जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। अब हम देखते हैं फोन के साथ और क्या चीजें देखने को मिल जाती है। तो नीचे के साइड आपको एक ट्रांसपेरेंट केस देखने को मिल जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाती है, टाइप सी फास्ट केबल मिल जाती है और 80 वॉट का फ्लैश चार्जर मिल जाता है और साथ में आपको यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन भी दी गई है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 6.78 इंच की एमोलेड कर्व डिस्प्ले दी गई है जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में आपको यहाँ पर 1 बिलियन कलर्स, HDR 10 प्लस और फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। फोन के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगती है, तो डिस्प्ले के मामले में तो आपको यहाँ पे कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी और डिस्प्ले के अंदर आपको कलर कॉन्ट्रास्ट से लेकर कलर सैचुरेशन तक सब कुछ बेस्ट देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ये काफी सुपर फास्ट प्रोसेसर है जहाँ पर आप अपने डेली टास्क, मल्टीटास्किंग, गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे टास्क बिल्कुल इजीली कर पाओगे। उसी के साथ में एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर भी होने वाला है जिससे कि आपको बैटरी बैकअप भी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 और फंटस 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया गया है। कैमरा की बात करें जो कि वीवो की वी सीरीज का सबसे हाईलाइटेड फीचर होता है, तो इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें कि आपका मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा विद OIS सपोर्ट, उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का सेंटर पंचोल डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दिया गया है और इस फोन के अंदर आप 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको मोनो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वाईफाई 6, GPS और NFC जैसे सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। बैटरी की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 4600mAh की बैटरी दी गई है जिसके साथ में आपको 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और आपका 50% फोन 17 मिनट में चार्ज हो जाएगा। ये फोन आपको दो कलर में देखने को मिल सकता है, मैजेस्टिक रेड और पर्पल फेरी कलर में। अगर हम प्राइस एंड लॉन्च डेट की बात करें तो इस फोन का प्राइस आपको इंडियन मार्केट में 32,000 rupees के अप्रोक्स देखने को मिल सकता है। उसी के साथ में आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल ऑफर और डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा जिसके बाद आपको ये फोन 30,000 rupees के अप्रोक्स मिल जाएगा। वहीं लॉन्च डेट की बात करें तो ये फोन 25 सितंबर को इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो ये कुछ ओवरऑल फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे वीवो के V29 5G फोन के अंदर, जहाँ पर आपको फीचर्स काफी अमेजिंग देखने को मिल जाएंगे और इसकी प्राइसिंग भी आपको पसंद आने वाली है। बाकी आप लोग कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना कि इस फोन का प्राइस इंडिया में क्या होना चाहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।